सराय रोहिल्ला थाना पुलिस ने चाबी वाला गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों की पहचान मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित आकाश नगर निवासी सिकंदर सिंह, निशांत सिंह, दर्पण सिंह और बलबीर सिंह के रूप में हुई है। सभी आरोपित आपस में रिश्तेदार हैं। ये आरोपित अलमारी का ताला ठीक करने के बहाने वारदात को अंजाम दिया करते थे। हाल में आरोपितों एक घर से 30 लाख रुपए के गहने चुरा ले गए थे। पुलिस टीम ने इनके पास से चोरी किए गहने बरामद किए हैं। उत्तरी जिले के उपायुक्त एंटो अल्फोंस ने बताया कि शास्त्री नगर निवासी विक्रम खुराना ने अपने घर के दरवाजे का ताला ठीक करवाने के लिए 4 लोगों को बुलाया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि दरवाजे का ताला ठीक करने लिए अलमारी की चाबी लगेगी। पीड़ित ने अलमारी की चाबी दे दी। फिर आरोपितों ने कहा कि इस चाबी में जंग लग गया है, नई चाबी बनाने की जरूरत है। उसके बाद उन्होंने अलमारी की नई चाबी बना ली और पीड़ित से पीने का पानी मंगाने के बहाने अलमारी से 4 सोने की चूड़ियां, 1 सोने का कंगन, 5 सोने की चेन, 8 सोने की अंगूठियां समेत 30 लाख से अधिक के आभूषण चोरी कर फरार हो गए। पीड़ित ने बाद में अलमारी खोल देखा जब उन्हें चोरी का पता चला। मामले की जांच के लिए ACP राकेश कुमार त्यागी के देखरेख में SHO शीशपाल के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस टीम को CCTV कैमरों के फुटेज की जांच में एक संदिग्ध साइकिल पर दिखा। फिर पुलिस ने उसके भागने की दिशा में लगे CCTV कैमरों के फुटेज खंगाले और बुधवार को पहाड़गंज इलाके के एक होटल से गिरोह के सरगना सिकंदर समेत 4 को गिरफ्तार कर लिया। सभी आरोपित दिल्ली से बाहर जाने की तैयार कर रहे थे। फिलहाल पुलिस आरोपितों से पूछताछ कर रही है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।